अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिजवानाज किचन। आज हम बनाएंगे बाम मच्छी का सालन। बाम मच्छी का सालन बनाने के लिए हमने 1 किलो बाम मच्छी लिए, जिसको हमने साफ करके अच्छी तरह धो के ले लिया है। अब हम इसको नमक हल्दी लगा के रखेंगे। नमक डालेंगे हम इसमें, 1 छोटा चम्मच हल्दी भरकर, और 1 नींबू का रस डालेंगे हम इसमें। नींबू लगाने से मच्छी एकदम कड़क और अच्छी, खाने में भी एकदम मस्त लगती है। अच्छी तरह से इसको ऐसे हिलाकर नमक नींबू और हल्दी को ऐसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ढक्कन झाँक के हम इसको फ्रिज में रख देंगे। बाद में मैं आपको बताऊंगी सालन कैसे बना। बाम की फिश कड़ी का सालन बनाने के लिए मैंने 2 कच्चे प्याज को गैस पर भुन के लिया था। इसमें मैंने 1 टमाटर डाल के इसको पीस कर ले लिया है, और 1 कोकोनट का पाउडर आता है ना बारीक वाला, वो लिया था मैंने थोड़ा, और हरा धनिया इसको पीस कर लिया है। इसके अंदर हम अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन मैं अलग से पीस के रखती हूँ, इसके लिए मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन नहीं डाला था। कोको में थोड़ा मैंने इसको पानी में भिगो के रखा है, ये हम फिश कड़ी में डालेंगे। अभी हम सालन बनाने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई गरम को रख दी है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। ये 1 छोटे चम्मच मैंने तेल डाला है। अभी हम तेल को अच्छी तरह पहले गरम होने देंगे। पहले हम इसके अंदर डालेंगे प्याज और टमाटर जो हमने पीस के रखे। पांच मिनट तक हम प्याज और टमाटर को अच्छी तरह पहले तेल में भून कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर जो खोबरा अदरक लहसुन और हरा धनिया का हमने जो मसाला पिसा है, फिर वो हम इसमें डालेंगे। अगर आपको गीला नारियल डालना है तो वो भी डाल के सालन बना सकते हैं। मेरे पास जो कोकोनट का बुरादा होता है ना, बारीक वाली जो चीज़ होती है, मैंने वो डाला है सालन में। अब हम इसमें डाल देंगे ये मसाला। तो अच्छी तरह पहले इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम थोड़ा पहले भून के लेंगे, फिर बाद में हम इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे, लाल मसाला। ये 1 किलो फिश का सालन बना रही हूँ मैं, इसके हिसाब से मैंने ये मसाले दिए हैं। मच्छी के सालन में डालने के लिए मैंने मसाले दिए हैं। ये 1.5 चम्मच तेज वाला मसाला है, 1 छोटा चम्मच है, 1.5 तेज वाला है, और कश्मीरी मिर्ची पाउडर है जो तेज नहीं होता है, कलर अच्छा देता है सालन को। धनिया पाउडर है 2 चम्मच, नमक लिया है मैंने जायके के हिसाब से, और ये 1/2 चम्मच गरम मसाले का पाउडर। नमक मैं मसाला पकाने में ही डालती हूँ, जिससे मसाला एकदम अच्छा और जल्दी पक जाता है। प्याज टमाटर से अपना सालन गाढ़ा भी बनता है, एकदम मस्त बनेगा, ज़्यादा पतला भी नहीं, अच्छा सालन बनता है। पहले हम इसको फास्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट पका के लेंगे, तो बाद में हम धीमी आंच पे पकाएंगे इसको। 5 मिनट के लिए डाल देंगे इसको। 5 मिनट हो गए, हमारा मसाला एकदम अच्छी तरह भून रहा है। इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे, अच्छी खुशबू आने तक हम इसको पका कर लेंगे। जब तक इसकी कच्ची स्मेल आएंगी तो हमको उसको पकाना है। जब अच्छी खुशबू आ गई तो समझो हमारा अच्छा मसाला पक गया। मसाला हमारा अच्छी तरह पक गया है, मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जो हमने कोकोन को भिगो के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। बाम मच्छी को हमने धो के रख दिया था, इसमें नमक हल्दी नींबू डाल के हमने रखा था, अब इसको भी हम इसके अंदर डाल।
जब तक हमारी मच्छी गलने जाती तब तक हमको इसको पका कर लेना है। और पानी हम हमारे जितना अपने को लगता है ग्रेवी, आप वो हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। कभी भी फिश का सालन बनाने के टाइम इसी तरह के चम्मच यूज करें, नहीं तो हमारी मच्छी क्या हो जाती है, हिलाने के टाइम पे चूरा हो जाती है। बोल वाले चम्मच से ऐसे हिलाने से चूरा हो जाती है, इसलिए ऐसे चम्मच लिए। अगर आपके पास लकड़ी का नहीं है तो आप इस तरह की उलटनी भी ले सकते हैं। मैं इसके अंदर और थोड़ा पानी डालूंगी। मच्छी के सालन को जवारी की रोटी के साथ या चावल की रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी सालन लगता है। मैं इतना ही पानी डालूंगी, मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए। धीमी आंच पर हम इसको गलने देंगे मच्छी को, फिर एक बार ये पक जाएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। 10-15 मिनट के बाद मैं आप लोगों को एक बार और दिखाऊंगी मेरी मच्छी गली या नहीं। गैस हमने बंद कर दिया है। मच्छी का सालन देखिए हमारा कितना मस्त बन के तैयार हो गया है। देखिए मच्छी भी हमारी अच्छी तरह गल गई है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, मस्त बन गया है। अभी मैं आपको एक प्याले में सर्व करके दिखाती हूँ। मच्छी का सालन हमने प्याले में निकाल लिया है। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।